तो स्वागत है ज्ञापन एकेडमी के इस वीडियो में। और इस वीडियो में क्लास टेंथ का मस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कि कंस्ट्रक्शन से रचना से हर बार पूछा जाता है, ये पांच नंबर इस वीडियो से आप पक्का कर लीजिए। इस वीडियो से पांच नंबर आपका आएगा ही आएगा, समझिएगा। ये क्वेश्चन देखिए कई बार रचना से पूछा गया, लड़का ये छोड़ करके चलाते, कहता है कि ये छोड़ करके अथवा वाला बनाते हैं। नहीं बाबू, यही सबसे आसान है। 12 में पूछा गया, 13 में दो बार पूछा गया ए और सी दोनों पेपर में, 15 में पूछा गया, 19 में, 22 में, आपको इस बार भी मस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये रहेगा ही रहेगा। समझिएगा ये कैसे, ये सब का खेल यही है, 3/4 ही है। अगर फिगर बना लिए ना तो लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा। समझिएगा बाबू कैसे बनेगा, समझिए। एक त्रिभुज बनाना है, क्या बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है। अभी बेसिकली ऐसे बना रहा है और उसमें बीसी होना चाहिए 6 सेंटीमीटर। अगर ए बी सी बना रहे हैं तो बीसी कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक। उसके बाद से ए बी होना चाहिए 5 सेंटीमीटर और ए बी सी बीच में बी आ रहा है ना, तो ये 60 डिग्री का होना चाहिए। समझिएगा ध्यान से, ठीक। और इसी के जैसा एक और रचना है, त्रिभुज रचना करना है जो इसके एकदम सेम टू सेम ऐसे ही होना चाहिए। और यहां बोल रहा है जिसकी भुजाएं, एक और ऐसा त्रिभुज बनाना है इसी के अकॉर्डिंग, एक और कोई त्रिभुज बनाना है, ठीक है, जिसकी संगत भुजाएं 3/4 गुनी हो। इस त्रिभुज से थोड़ा सा बड़ा साइज होना चाहिए, यानी 3/4 गुना होना चाहिए, यही बनाना है। तो कीजिएगा 3/4। देखिए यहां जो नीचे लिखा गया है ना, इस नीचे वाले का ही कमाल है, सबसे ज्यादा नीचे वाले का कमाल है। सबसे पहले कोई एक लाइन ले लीजिए, नाप करके खींचिएगा, आपके पास स्टूमन बॉक्स वगैरह है ना, तो नाप लीजिएगा, 4 सेंटीमीटर का एक बीसी लाइन खींच लीजिएगा, साथ साथ खींचते रहिए। कितना एक बीसी लाइन होगा, कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद से कह रहा है ए बी लाइन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, तो बी सी ये है तो ए बी कौन होगा, ए बी सी, ए बी ये होगा, ठीक। और उसके बाद से ए बी तो खींचिएगा, लेकिन यहां पे एक चीज देखिएगा, बी कितना डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री, तो यहां से कंपास ऐसे मोड़ करके एक बार काटिएगा तो 60 डिग्री का बनेगा। और यही लाइन ऐसे खींच लीजिएगा, यहां से एक मिनट, यहां से ऐसे मिला दीजिएगा, तो जब इसको मिलाइएगा तो यहां ए बी होगा, ए बी, और ए बी लाइन कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यहां से एक बार कटता है तो 60 डिग्री हो जाता है, यहां समझ में आया, ए बी, ठीक। और ये 5 सेंटीमीटर इसको भी मिला दीजिए, सी हो गया। इतना समझ में आया। अब कह रहा है कि फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। अब वही चीज आपको करना है, जैसे बोलेगा ना फिर एक त्रिभुज, तो नीचे एक लाइन खींच लीजिएगा। अब कहेगा सर ये आप कितना डिग्री खींचे, आपको जो मन करे उतना डिग्री खींचिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब सही होगा। जब ये लाइन आप खींच लेते हैं तो इसी का कमाल देखना है, 4 कैसे खींचते हैं। तो यहां बी है तो एक अपना कंपास खोल लीजिएगा और बराबर दूरी पर यहां से ऐसे काटते जाइएगा, बराबर दूरी पर, बी से बराबर दूरी पर सबको काटिएगा, ऐसे बी से बराबर दूरी पर हो गया कि नहीं। इस लाइन को मानिएगा एक्स, क्या मानिएगा, एक्स, क्योंकि बी एक्स एक लाइन यहां से खींचे हैं जो 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री एकदम सीधा होता है ना, ऐसे चाहे ऊपर बनाओ चाहे नीचे बनाओ, तो यहां से। अब ये बी है तो इसको मानिएगा बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फोर, बी फाइव, वैसे 4 तक लिखिएगा, जो सबसे बड़ा होता है ना अधिकतम वही लिखा जाता है। अब देखिए जो नीचे होगा, रट लीजिए मेरे बाबू, जो नीचे होगा उसको सी से मिला दीजिएगा, तो बी फोर, फोर है ना नीचे, तो 4 को मिला दीजिए सी से, किससे मिला दीजिए, 4 को मिला दीजिए सी से, मिल गया कि नहीं, एक अन्य त्रिभुज की रचना हो रहा है। उसके बाद क्या है, 3। अब 3 को मिलाना है, लेकिन ऐसे मिलाना है 3 को कि एक ऐसे कहीं यहीं पे मिलाना है, या तो ऐसे मिलाइए ऐसे मिलाइए, लेकिन मिलाते वक्त एक चीज का ध्यान रखिएगा कि लाइन पैरेलल होना चाहिए, समानांतर ट्रेन के पटरी की तरह होना चाहिए। जब बड़ा वाला नंबर को जब इससे मिला दिए जो नीचे था, तो छोटा वाले नंबर को मिलाने के लिए ट्रेन के पटरी की तरह होना चाहिए, तो ये आप कंपास से एंगल माप लीजिएगा, मापने के बाद एकदम पैरेलल ये होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, समानांतर, ये लाइन समानांतर होना चाहिए। लाइन जब समानांतर हो गया तो इसका नाम था B3, और जब इसका नाम C है तो इसका नाम रख दीजिएगा C-, क्या रख दीजिएगा, C-। अब ये लाइन समानांतर हो गया, अब इसी के समानांतर एक और लाइन खींचना है, C- से ऊपर मिलाना है, तो ये एंगल जितना माप जितना डिग्री का ये होगा, यहां से भी उतना ही डिग्री का ऐसे एक लाइन आप खींच दीजिएगा, ठीक है। और ये भी लाइन आपस में क्या होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए, और यहां कोण भी बराबर होना चाहिए। तो आप देखिए ये भी लाइन ऐसे समानांतर गया, ये भी लाइन समानांतर गया, अब जाकर के आपका पूर्ण रूप से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया।
और इस पर आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा, इस पर आपको 3 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? 3 नंबर। तो 5 नंबर कैसे मिलेगा भाई? तो देखिए, इसका नाम ए है तो इसका नाम ए डैश रखिए, और जो जो आप काम किए हैं ना वो सबको यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे रचना में आपको लिखना पड़ेगा क्या क्या काम किए हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम किए थे, बी सी एक लाइन खींचे थे जो 4 सेंटीमीटर का था। तो 4 सेंटीमीटर की एक रेखा BC खींचा गया है, ठीक है। उसके बाद से आप क्या किए हैं, B से यहां पे केंद्र मान करके और यहां 60 डिग्री का कोण बनाया। कितना डिग्री कोण बनाया है? 60 डिग्री का कोण बनाया है। और AB कितना खींचे हैं? AB आपका ये 5 सेंटीमीटर, यानी यहां सेकेंड लाइन में आप लिखिएगा स्टेप टू में, ये स्टेप वन तो स्टेप टू, यहां B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की एक रेखा AB खींचा गया है जहां एंगल ABC बराबर 60 डिग्री है। इतना समझ में आया? अब देखिए, जब ये ABC 60 डिग्री है तो फिर आप क्या किए, ABC में A से C को मिलाएं, यही ना काम किए थे हम लोग, यानी कि तथा A से C को मिलाया गया है। मतलब जो जो आप काम किए हैं वो लिख देना। उसके बाद से हम B से एक न्यून कोण खींचे हैं नीचे की तरफ और बराबर दूरी पर इसको काटे हैं। तो यहां देखिए स्टेप थ्री में ये लिखेगा, स्टेप थ्री में क्या लिखेगा, बी से नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाता हुआ रेखा खींचा गया है जो बी एक्स है। स्टेप फोर में लिखिएगा, स्टेप फोर बी एक्स को समान दूरी पर विभाजित किया जाता है। इस प्रकार यहां देखिए ये सब समान दूरी पर है। क्या है बाबू? समान दूरी पर है। तो यहां लिखिएगा बी और बी डैश किसके, बी वन किसके बराबर, ये वाला दूरी इसके बराबर होगा, बी वन और बी टू के बराबर है। और उसके बाद से बी वन बी टू किसके बराबर है, बी टू और बी थ्री के बराबर है, और बी थ्री और बी फोर बराबर है, बी फोर बराबर है। उसके बाद से ये 3/4 में जो अधिक है, क्या है, जो अधिक है बाबू, उसको हम लोग किसे मिलाए, सी से मिलाए हैं। यहां लिखिएगा स्टेप फोर 3/4 में अधिकतम मान को किसे, सी से मिलाया गया है, ठीक है, इसी से मिलाया गया है। यानी कि कैसे मिलाया गया है, तो ये देखिए ये C से लेकर के यहां B4 को C से मिलाया गया, तो वही लिखे हैं यहां देखिए, तथा इसे कह सकते हैं यहां देखिए 3/4 के अधिकतम मान को C से मिलाया गया है, यानी 3/4 में अधिकतम मान कौन है, 4 है, यानी अधिकतम मान का मतलब यहां लिख सकते हैं, अधिकतम मान मतलब कि यहां B4 हो जाएगा, यहां अधिकतम मान C से मिलाया गया है। उसके बाद से देखिए जब इसको मिला दिए तो इसी के समानांतर B3 को C' से मिलाया गया है, ठीक। यहां देखिए B4 C के समांतर किसे मिलाया गया, B4 C के समांतर B3 C' रेखा खींचा गया है। उसके बाद से स्टेप फाइव में लिखिएगा, स्टेप फाइव में क्या लिखेगा कि देखिए, और इस हिसाब से एक AC भी तो लाइन है, तो इसके समानांतर A'C' खींचा गया है, याद रखिएगा इसी के समानांतर। स्टेप फाइव में क्या लिखिएगा, यहां देखिए AC के समांतर क्या लिखिएगा, AC के समांतर A'C' रेखा
खींचा गया है। ये है आपका त्रिभुज, यानी कि कंस्ट्रक्शन का पूरा स्टेप ये आपको लिखना है। आपको कुछ नहीं, जो यहां बड़ा होगा ऐसे लाइन खींच देना है। अब ये कितना डिग्री है, बस 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक। उसके बाद से जो बड़ा होगा उसी को यहां मिलाना है, ठीक है, यानी बीसी लाइन में मिलाना है। और जो छोटा होगा तो अंदर मिलाना है। अगर मान लीजिए कि ऊपर वाला अगर 5/4 रहता तो आप क्या करते, समझिएगा, तो 4 को तो यहां मिला देते, लेकिन 5 देखिएगा बड़ा है तो 5 यहां लिखते। अब इसको अंदर मत मिलाइएगा, इसको बाहर मिलाते हैं, ऐसे अपने से लाइन यहां पे ड्रॉ कर लेंगे लंबा तक और ऐसे बाहर मिलाते हैं। फिर इसको ऐसे ऊपर ऐसे खींचिएगा, ऐसे खींच करके तब मिलाइएगा। ये ऐसे लाइन होता है, बाहर खींच दीजिएगा जब ऊपर वाला बड़ा होगा। तो याद एक एक चीज रखना है, जो नीचे होगा उसी को मेन जहां तक सी होगा वहां तक मिलाते हैं, ठीक है। तो ये आपको कंस्ट्रक्शन ये 5 नंबर में बाबू एनी हाउ पूछेगा, इसको आप रट लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट मजेदार तरीके से ले लीजिए इसको। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार लगा हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी पर बार बार एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और फिर हम लोग देखेंगे लाइन बाय लाइन मस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव 5 नंबर वाले सभी प्रश्नों का एक वीडियो आएगा, उसको देखना मत भूलिएगा। और प्रीवियस ईयर में जितना आपको कराया गया है वीडियो उसको जाकर के देखिए। त्रिकोणमिति एक प्रेम कहानी आपको अवेलेबल है, वो देख लीजिए, फॉर्मूला का डाउट खत्म हो जाएगा और लाइफ तो आपका चल ही रहा है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।